नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, तो आपके सामने शेयर करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिए हैं दो आलू, देख सकते हैं बड़ी साइज़ के दो हमने आलू लिया हुआ है। तो इसी तरह से हम आलू का छिलका इस तरह से उतार लेती हूँ अच्छे से, देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज़ के हमने दो आलू लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तीन ही आलू साइज़ हम बनाएंगे, बहुत टेस्टी नाश्ता। तो आलू के यहाँ हमने कटोरी में पानी लिया हुआ है, इसी में पानी में इस तरह से रखते जाएंगे, नहीं तो आलू हमारा काला पड़ जाएगा। तो ऐसे ही मैं दूसरे आलू का छिलका उतार लेती हूँ। तो आलू को छिलका उतार लिया है, इसे हम अच्छे से तो पानी से तो अच्छे से धोकर साफ कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आलू में कितना सारा गंदा निकल रहा है, और पहले हम धोकर साफ कर लेती हूँ। आलू को मैं धोकर साफ कर लिया है, तो यहाँ पर हमने कद्दूकस वाली मशीन लिया हुआ है, इसी से हम कद्दूकस करेंगे। इस तरह से हम खड़े आलू में से कद्दूकस करेंगे, लंबा लंबा अच्छा दार निकलेगा। इस तरह से हम खड़ा करके आलू इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। नीचे हमने थाली में पानी लिया हुआ है, ताकि हमारा जो ये आलू काला ना पड़े, अच्छे से हमारे अच्छे बढ़िया से बनेंगे इस तरह से। देख सकते हैं कितना अच्छा से, देखिए अच्छा दार आलू निकल रहा है ये। तो इसी तरह से हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं थाली हमारी भरी हुई है। अब इसे हम दो तीन पानी से अच्छे से धोकर साफ करेंगे। इसका कलर देखिए कितना चेंज हुआ है। अभी हम इसे निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। तो आलू को हमने दो तीन पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया, कितना देखिए साफ हमारा आलू है। यहाँ पर हमने एक इंच का अदरक का टुकड़ा इसे कद्दूकस कर लेते हैं, आप चाहे बारीक काट सकते हैं, कूट कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कद्दूकस कर लिए हैं, जो महीन वाला है इसे हम कद्दूकस करेंगे। ये अदरक है, इस तरह से हम कद्दूकस कर लेते हैं अदरक। तो यहाँ पर हमने हरा मिर्चा लिया हुआ है, इसे हम बारीक बारीक काट लेते हैं, देख सकते हैं कितना बारीक, बहुत ही बारीक मैं काट रही हूँ। आप तीखा जितना खाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चार हरा मिर्चा लिया हुआ है, एक तीखा कम है इसलिए हमने लिया हुआ है। इसे अच्छे धोकर इसे बारीक बारीक काट देती हूँ। तो यहाँ पर लिए हम हल्दी पाउडर, तो इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा। और यहाँ पर धनिया पाउडर है, तो एक छोटा चम्मच डाल देते हैं। एक चौथाई चम्मच गर्म मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पर हम लिए हैं बेसन, तो हम ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरह थोड़ा सा डाल देती हूँ, इस सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो इस सबको हमने अच्छे से मिला दिया। यहाँ पर हम अजवाइन लिए हैं, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से हमने रगड़ लिया है, रगड़ के इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है अजवाइन। इस तरह से हम इसे डाल के अच्छे से मिला देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने अच्छे से देखिए इसमें मिला दिया है। और यहाँ पर हमने आग को जला दिया है, और चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम। हम देख लेते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा आलू डाल के इस तरह से देख सकते हैं आलू हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह देखिए हम आलू का इस तरह से ज़्यादा बेसन नहीं डाला हुआ है, इस तरह से हम चपटा करके इस तरह से बनाएंगे। आपके पास चौड़ी वाली कढ़ाई हो उसमें हम बना सकते हैं कई, तो चौड़ी वाली कढ़ाई नहीं है, मैं एक तरह बनाऊँगी यहाँ पर। इसे हम फ्राई होने देती हूँ। तो एक साइड देखिए फ्राई हो चुका है, इसे हम पलट देते हैं। तेल देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया हमने इस तरह से, ये बहुत ही अच्छे से देखिए फ्राई हो जाएगा, ये एकदम कुरकुरा सा बनेगा नाश्ता आलू का। देख सकते हैं हम दोनों तरफ से अलट पर अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हुआ है एकदम। इस तरह हमने दूसरा बनाया हुआ है, इसे हम डाल देते हैं। इस तरह से हम कंछे में रख के डालेंगे, ताकि ये आसानी से डला सके। ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं हमने कंछुर को सारे से डाला हुआ है। देखिए इस तरह से हम हल्का से तेल डाल दिए, ये बीच में अच्छे आसानी से चला जा गया है। अब देखिए इसे हम फ्राई होने देते हैं इस तरह से इसे। तो एक साइड देखिए ये भी सीख चुका है, इसे हम पलट देती हूँ इस तरह से कंछुर को सारे से। तो देखिए कितना अच्छा से सिका हुआ है ये।
देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ में अरहर पर अच्छे से सेका हुआ है, देखिए कितना अच्छे से सेका हुआ है। इसे भी हम निकाल देते हैं, इस तरह से टेढ़ा कर देते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा तेल होगा इस तरह से निकल जाएगा। इसे हम निकाल देते हैं। ऐसे ही सभी आलू का नाश्ता इस तरह से बना कर तैयार कर लेती हूँ। हमने देखिए सभी इस तरह से आलू का नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आखिरी बच्चा है उसे भी निकाल लेते हैं मैं, और कढ़ाई को हम नीचे उतारेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा आलू का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। ज़्यादा तेल नहीं लगाया हमने, थोड़े से तेल में अच्छे से बनाया हुआ है। देख कितना अच्छा से बना हुआ है, मतलब लच्छेदार बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से बना हुआ दोस्तों। और यहाँ पर हमने दही लिए है, दही के साथ सर्व किया है। आप चाहे चटनी के साथ खा सकते हैं, अपनी मन चाहे चटनी के साथ खाते हैं, और दही के साथ खाएंगे काफ़ी टेस्टी लगेगा ये नाश्ता इस तरह से। और बहुत ही जल्द बन जाता है ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी से, बहुत बढ़िया से, एकदम स्वादिष्ट बना हुआ है दोस्तों। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाकर खाइएगा दोस्तों। आज हम बनाए थे आलू का लच्छेदार नाश्ता, और कितना टेस्टी हमारा नाश्ता बना हुआ है दोस्तों। तो आज के हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।